जनवरी 22, 2024 अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं कि पूजा का सामान और एक सुंदर सा गणेश जी का मूर्ति। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में तो ऑब्वियसली हम सब लोगों को पता ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोलकाता में राम मंदिर दर्शन किया जाए। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही आपको बहुत सारा स्टैचूज दिखाई देगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस। सो मैं आज आ गई हूँ राम मंदिर में। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं बजरंगबली जी के मंदिर आऊँगी, बट मुझे एकदम भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने जैसे भी तैसे करके मैंने टाइम निकाला। अगर आप लोग किसी भी तरह विश्व बांग्ला गेट आ जाओ तो वहाँ से आपको रिजर्व ऑटो भी मिल सकता है, और अगर आप बाई कार भी आ सकते हो, जैसा आपके मन करेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के व्यूज बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारा मंदिर है, नॉट ओनली बजरंगबली। सामने तो बजरंगबली जी का बहुत बड़ा मंदिर है, आप अगर देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं जैसे आज आई हूँ विश्व बांग्ला गेट से, मैंने ऑटो रिजर्व किया था 120 रुपीज़ में। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर आ सकते हैं। ऑटो एकदम मंदिर के सामने नहीं आएगा, थोड़ा सा पीछे खड़ा रहेगा। अगर आपको आना है थोड़ा सा, मतलब वॉक करके आना, थोड़ा सा अगर आप वॉक करके आओगे तो आप सीधा मंदिर पहुंच जाओगे। मुझे आकर बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर बहुत ही क्लीन है, बट मंदिर का जो बाहर का पोर्शन है थोड़ा सा मतलब अनक्लीन है। अगर वो ठीक ठाक हो जाए तो कुछ अलग ही लगेगा। साइड में एक छोटा सा बजरंगबली जी का स्टैचू भी है। मंदिर के अंदर भी दो तीन पूजा के सामान लेने के लिए दुकान आप लोगों को मिल जाएगा। स्टैचू के सामने जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली देवी दत्त जी का स्टैचू है। देवी दत्त जी का सन एट 1972 उनकी याद में ये श्री राम मंदिर को एस्टेब्लिश किए थे। यहाँ पर शिव जी और माता गंगा की स्टैचू है जो शायद इनकम्प्लीट होगा। एक्चुअली बहुत ही अनक्लीन है ये जगह, नीचे एक तालाब भी है। यहाँ पे पूजा के सामान तो मिलते ही है, बट होममेड हैंडमेड कुछ मिलता है यहाँ पे, और खाने का कुछ सामान जैसे कि चाय कोको कोला ऐसा कुछ मिल जाता है। श्री राम मंदिर का जो मेन गेट है वो ऐसा कुछ दिखाई दिया मुझे। ऊपर बजरंगबली जी का छोटा सा एक मूर्ति है और साइड में दोनों एलिफेंट्स है। मूल मंदिर पे जाने से पहले आसपास बहुत सारा स्टैचूज यहाँ पर दिखाई देगा, भगवान का जो अवतार बोल सकते हैं ऐसा कुछ। दो तीन एनिमल का स्टैचू भी मुझे दिखाई दिया, जैसे कि टाइगर एंड हॉर्स। अभी मैं मेन मंदिर के सामने ही हूँ, मैं एंटर करूँगी मेन मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। श्री राम जी का, श्री बजरंगबली जी का, बहुत सारा आइडल का हम दर्शन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बाबूसा यानी कि बजरंगबली जी का मंदिर। चलिए हनुमान जी राम जी का सबसे बड़ा भक्त है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर राम मंदिर होगा वहाँ पर तो बजरंगबली मंदिर होगा ही। साइड में देख सकते हैं एक पंचमुखी बजरंगबली जी का छोटा सा आइडल, एंड लेफ्ट साइड में है शेरवाली जी का मूर्ति यानी कि माँ दुर्गा की मूर्ति।
बजरंगबली जी के साइड में बड़ा सा एक शिव मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। आप लोग देख सकते हैं व्यूज़, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम है सौरभ राय, मैं यहाँ पर राम मंदिर में पंडित जी हूँ। यहाँ पर ये मंदिर बना है 15-20 साल से ऊपर, ठीक है। ये गुफा बना है, पहले वो दिखेंगे मुँह के वहाँ पर, इस तरफ से गुफा मिले गए थे, ठीक है। गुफा, गुफा में शिव जी है, वो शिव जी गुफा में शिव जी है, वो शिव जी का मंदिर सबसे पुराना है। फिर बना राम मंदिर बना है, 20 साल हो गया। अच्छा, जीन माता मंदिर है, उसको 6 साल हुआ। जीन माता मंदिर, जीन माता मंदिर। और ये है बाबोसा मंदिर, बाबोसा है बजरंग बली का मुख्य रूप है, ठीक है। ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, और ये खाटू साहब का मंदिर बन रहा है सामने, सबसे बड़ा। और तालाब में शिव जी है, तालाब में शिव जी है। बट मुझे एक चीज मैंने लगा कि तालाब थोड़ा सा क्लीन करने की बहुत जरूरत है, बहुत गंदा हो चुका है क्लीन। हाँ, वो तो होगा ही, तो होता है, चेंज हो जाएगा। हाँ, और कुछ बताइए। देखिए, बजरंग बली का हर शनि मंगलवार को जोत होता है, हवन जिसको बोलते हैं, वो होता है हर शनि मंगलवार को। उसमें पूजा कर सकते हैं, आपको जो मनस्कामना जल्दी पूरा होता है उसे करने से शनि मंगलवार को, ठीक है। नारियल बन सकते हैं बजरंग बली के नाम से आपका, ठीक। ये राम मंदिर और बजरा बजरंग मलिया, वो है हम लोग मेन गेट स्टोन ऑफिस है, उनसे बात करने से आपको सब कुछ बता देगा। और जीन माता मंदिर और बाबा सा मंदिर ट्रस्ट का है, आज शाम बाबा का मंदिर। तो अभी मैं राम जी, लक्ष्मण जी एंड सीता माँ की मूर्ति मैंने दर्शन कर लिया, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। और ये राधा कृष्ण जी का मूर्ति है, वो भी बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर विष्णु एंड लक्ष्मी जी का आइडल है, ये भी बहुत ही सुंदर है। बाबूसा मंदिर, राम मंदिर दर्शन के लिए अभी मैं जा रही हूँ जीज माता की मंदिर, यानी कि माँ दुर्गा की मंदिर। तो चलिए, आप लोगों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा माँ दुर्गा का बहुत सारा रूप है, तो ये भी एक रूप है माँ दुर्गा का, जीज माता।